हमारे बीच में एक ऐसे अधिकारी हैं और जब वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर थे तो बहुत बाबा साहब की बातें करा करते थे और बाबा साहब की बातें ऐसी करा करते थे, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था क्योंकि जो बाबा साहब का अनुयायी है अगर वो किसी भी तरीके अगर मन से बोलते हैं या वैसे बोलते हैं तो उन्हें किसी चीज़ का कोई घबराहट नहीं थी। हमारे बीच में बाम साहब के जो सुरेश कुमार जी हैं जो MTNL के अंदर अधिकारी रहे, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज महापरिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब को मना रहे हैं, ये तो एक दुख का कारण है या सुख का कारण है? देखिएगा, सही मायने में तो जिन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी लगा दी जी उनको याद करने का है और जो वो लोग कह गए हैं उसको अमल में लाने का बात है। और यहाँ से हम लोग संकल्प लेकर के जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी के जितने भी शेष क्षण हैं प्रत्येक क्षण बहुजन समाज और सर्व समाज के हित में हम खर्चेंगे। तो इस तरह का मनोबल यहाँ से लेकर के हम लोग जाते हैं और इसीलिए हम ये मनाते हैं। और हर साल अब तो हम ये भी जानने लगे हैं कि भी और सोचने भी लगे हैं कि आखिरकार जो दूसरे लोग हैं, ब्रह्मिनिकल सिस्टम के लोग हैं जिनकी मनुवादी मानसिकता है, उन लोगों ने एक आज से लगभग 25 साल पहले इस देश में एक इस तरह का निकम्मा काम किया तो उन्होंने वही दिन क्यों चुना था? सर, वो निकम्मा काम क्या था? हाँ, वो निकम्मा काम ये था कि जो धर्म निरपेक्षता की एक पहचान थी अयोध्या में बाबरी मस्जिद, उसको 6 दिसंबर 1992 को इन काफिरों ने तोड़ा था। और वो क्यों तोड़ा था, 6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना था, हम जाने या ना जाने, बाबा साहेब के अनुयायी लोग जाने या ना जाने, वे लोग जानते थे कि आज के दिन बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि अंबेडकर तुम तो ख़त्म हुए ही थे 6 दिसंबर को, आज से हम तुम्हारे संविधान को भी मार दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी हमारी आंखें खुली तो हैं लेकिन पूर्णतः अभी हम जागृत नहीं हो पाए हैं, कर रहे हैं। अगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा समाज भिन्न भिन्न संगठनों में बट कर के अपनी ताकत को छीन कर रहा है, अगर ये सारे संगठन बहुजन समाज के, बाबा साहेब के अनुयायियों के इकट्ठे हो जाएं, तो इस देश में अपनी सरकार बना करके, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके उनका मुकाबला हम कर सकते हैं। सर, आप 6 दिसंबर की बात कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे थे, एक मुस्लिम समाज से जो एक अपनी स्पीच दे रहे थे कि दलित और मुस्लिम को एक भिड़ाने का काम कर रहे हैं, कि जो आप जिन्हें मनुवाद दी लोग कह रहे हैं या मनुवाद कह रहे हैं कि भाई ये मस्जिद तोड़ने का काम दलित समाज के लोगों ने किया था। नहीं, ऐसा नहीं है कि दलित समाज के लोग थे, यूँ तो दलित वो भी था जो वहाँ पर दैट टाइम चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, वो भी तो ललुआई हैं, मान्यवर कांशीराम साहब के अल्फाजों में वो भी तो शूद्र समाज के हैं, लेकिन वो उनकी मानसिकता दूसरी रही, बीजेपी के लोग रहे वो लोग, तो उन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत उनकी मानसिकता ग्रसित रही और इस तरह का किया। नहीं तो दलित लोग और दलितों में कुछ पर्टिकुलर कौमें हैं जो आज ये समझ गई हैं, और मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ कि जो इंडिया में मुसलमान हैं वो मुसलमान इनका रिश्तेदार है, नकद रिश्तेदार है। कैसे रिश्तेदार है कि जब इधर 620-720 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, वो 12-13 बैचलर साथियों के साथ आए थे और व्यापार करने के मकसद से आए थे, वो कंवारे आए थे तो यहीं की लड़कियों से शादी की, और हमारे दलित समाज की बहन बेटी तो इस मामले में दूर रही हैं क्योंकि न खाने को न कुछ, न सुंदरता न कुछ, तो उनको किसी ने पसंद नहीं किया। और आज जो ये चीख चिल्लाट कर रहे हैं, जोधा को जब अकबर साहब ब्याह करके लाए तो ज़बरदस्ती नहीं लाए,
जोधा के बाप ने तो पूरा नाच कूद करके ये कहा है कि मैं धन्य हूँ जो राजा अकबर को मेरी बेटी पसंद आई है। तो 600वीं 700वीं ईस्वी में जो 12-13 बैचलर साथियों के साथ मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने यहीं की लड़कियों से शादी की और उनसे जो औलादें हुई, मान लीजिए इनकी गीता के मुताबिक उस दौरान भी मैं, चूँकि इनकी गीता कहती है जन्म जन्मांतर का, तो यदि उस जन्म में मैं भी आदमी हुआ और मैं भी ब्राह्मण हुआ या क्षत्रिय हुआ या वैश्य हुआ और मेरी बेटी से अगर रिश्ता हुआ उस दौरान, तो आज का मुसलमान मेरा देवता लगा, और अगर मेरी बहन से रिश्ता हुआ तो मेरा भांजा लगा, और यदि चाची ताई दादी से अगर दोबारा शादी हो गई तो उससे भी कोई ना कोई भाई चाचा का रिश्ता तय हो गया। तो ये जो चीख चिल्लाहट हमें तो भिड़ाते हैं कि मुसलमान बड़ा काफिर है, लेकिन अपनी लड़कियों को और बहन बेटियों को उनको ब्याहते हैं। आज की डेट तक मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, यथार्थ साक्षी है, देख लीजिएगा कितने कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनके लिए कौन है, सब इन्हीं की बहन बेटियां हैं। अशोक सिंघल साहब चले गए विश्व हिंदू परिषद वाले, अब्बास नकवी साहब के साथ हैं। तो ऐसे करके जब देखा जाए तो इनके तो नकद रिश्तेदार हैं, लेकिन ये कहीं उन बहन बेटियों की गलती को, जिन्होंने इनसे प्यार मोहब्बत करके शादी की, उसका बदला लेने के लिए हमारे समाज के जो अभी ना समझ लोग हैं उनका सहारा लेकर के भले भिड़ाने का काम करें, नहीं तो बाद बाकी मेरा समाज अब कुछ कुछ जागृत हो गया है, चौकन्ना हो गया है, और जितने चौकन्ने हो गए, जागृत हो गए हैं, उतने आज इस काम में शामिल नहीं होते हैं। सर, एक तरफ कहा जाता है कि संविधान हमारा खतरे में है और संविधान को बचाना है, सभी लोग मंचों से भी बोल रहे हैं और सब जगह जहाँ जहाँ जाते हैं सब कहते हैं संविधान हमारा खतरे में, तो सर वो संविधान हमारा किस तरीके से खतरे में, इसको कैसे बचाया जा सकता है? दो क्वेश्चन है, संविधान हमारा खतरे में और इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिएगा, संविधान खतरे में है ये तो इसलिए है कि मेरा संविधान जब ये कहता है, धर्म निरपेक्षता की बात कहता है, और आज धर्म निरपेक्षता नाम की चीज़ कहीं रही नहीं है। लोग अपने अपने मकसद से उस संविधान को इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ तक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मानवता का संदेश देता है मेरा संविधान, उस मानवता पर आक्रमण हो रहे हैं, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल है, इसलिए संविधान खतरे में है। बचाया ऐसे जा सकता है कि जैसे आज हम इकट्ठ में यहाँ आए हैं, ऐसे ही इकट्ठ में हो करके हम लोग, जो दो तरह की लड़ाई है इस देश में, एक अंबेडकरवाद वर्सेज मनुवाद, तो जिस दिन अंबेडकरवादी लोग पक्की सोच के साथ अंबेडकर के किए हुए कहे हुए वायदे इरादे पर हम पक्के मजबूत होकर के और कट्टरता के साथ, कट्टर मानसिकता के साथ इकट्ठ में चल करके, जिस दिन बाबा साहेब की दो लाइन यदि हम मान करके उनको प्रैक्टिकल कर लिया, वो जो दो लाइन है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार के समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है, तो वो संविधान जो दे रहा है हमको वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना करके संविधान को बचाया जा सकता है। सर, बाबा साहब के संविधान के तहत जो रिजर्व सीट से जीत कर आते हैं, जो कहते हैं हम समाज का भला करेंगे, हम दलितों का उत्थान करेंगे और हम तरह तरह के वायदे किए जाते हैं, और जब दलितों पर अत्याचार होते हैं वो कहीं भी बोलने की कोशिश नहीं करते और उनकी जवान चुप हो जाती है, वो क्या कारण है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आकाश अगर वो बात मान ली गई होती जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई डबल वोट का राइट दे दो हमको जी, तो डबल वोट के राइट में एक जगह दलित ही कैंडिडेट होता, दलित ही उसके लिए वोटर होता, और दलित जब वोट देता उसको, दलित कैंडिडेट को, दलित जीत करके आता तो उसका ग्रेवान पकड़ करके वो कह देता, ए वोट मैंने दी है, जिताया मैंने है, मेरे समाज के काम कर। लेकिन वो बात हम जाने या न जाने, गांधी एंड संस जानते थे, और उन्होंने वो डबल वोट के राइट की बात बाबा साहब की नहीं मानी। आज जो सिंगल वोट की बात है उसमें क्या है कि वो लोग, चूँकि उनके दलों ने उनको, और सही माने में कह दूं अगर दो मिनट का टाइम दो तो, स्थिति इस प्रकार है कि जैसे जे कॉलोनी में
मैं रहता हूँ और मैं दलित समाज का आदमी हूँ। जे में रहते हुए कोई कांग्रेस का आदमी है वो मेरे से कहता है कि आइएगा साहब आज आपको मिलाते हैं, और वो मुझे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा के पास ले जाता है और वो मिलाता है कि साहब ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं और समाज के कार्यकर्ता हैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। जब चुनाव आया उन्होंने कहा भाई चुनाव आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। अरे माई बाप कहाँ इलेक्शन, रोटी खाने को नहीं कुछ नहीं। मैं बोला तुम क्यों चिंता करते हो। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जब ले जाता है तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती है कि हाँ भाई चुनाव लड़ेगा। अरे माँ बाप कहाँ पैसा, तो वो मुझे फटकार तो फटकार वहीं से शुरू हो जाती है, वहीं से मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। 12 साल तक कुत्ते की पूंछ को नलकी में रखा, निकाला टेढ़ी की टेढ़ी निकली। अरे सीधा बोलना क्या दिक्कत है, पैसा चाहिए ना। पार्टी ट्रेजर बुलाया, 60 लाख रुपया दे दिया चुनाव के लिए जी। हमने कहा चुनाव लड़ेंगे बाद में, पहले बनाएंगे मकान। 20 लाख में बना लिया मकान, 40 लाख में लड़े चुनाव, चुनाव हम जीत गए। फिर हम जब जाते हैं उनके पास कि साहब वो बड़ी मेहरबानी है चुनाव जीत गए हैं सांसद बन गए हैं। अच्छा 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद हम अगली बार जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कैसे आना हुआ साहब, वो समाज में झगड़ा फसाद हो जाता है तो हम चाहते हैं कि आपसे बात करके। अरे तो सीधा नहीं बोल रहा, गाड़ी चाहिए ना। पार्टी ट्रेजर बुलाया, हाँ भाई इसको एक गाड़ी दो, जीप दे दो। जीप मिल गया। उसके बाद गए कि साहब कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़ा फसाद इस नेचर का हो जाता है कि आपके बगैर तुरंत बात की बात नहीं होती है। तो आज तो मोबाइल हो गया है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये स्थिति थी। तो तब वो कहता है पार्टी अध्यक्ष, अरे सीधा नहीं बोल रहा, रहा ना डेढ़ का डेढ़। हाँ वो तो वही कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये साथी लोग सुन रहे हैं, कहीं ये ना बुरा मान जाए, क्योंकि अब ये समझ गए हैं कि किसको कहते हैं और ये उसका बहिष्कार करने लगे हैं। तो वो कहता है अच्छा अच्छा सीधा तो बोल नहीं रहा, टेलीफोन चाहिए ना। पार्टी ट्रेजर बुलाया, 2 टेलीफोन कनेक्शन मिल गए। अब मेरी स्थिति क्या बन गई, मकान बन गया, सांसद हो गया, टेलीफोन हो गए, गाड़ी हो गई और 2-4 लड़के नौकरी पर लगवा दिए, तो समाज में वाह वाह हो गई। लेकिन अब वहाँ पर होता क्या है, सेशन लगता है, पार्लियामेंट का सेशन लगता है और सेशन में मैं जाता हूँ, 0 आवर्स में मैंने टाइम मांग लिया। और टाइम पर जब मैं बोलता हूँ कि इस देश में 8वीं फेल पंडित एमए पास जाटव चमार को सत्यनारायण की कथा सुना जाता है, अब इस तरह का काम नहीं चलेगा, मैं बिल्कुल रोक दूंगा, तो मेरे वाले जो ललुआ और सांसद थे उन्होंने मेज थपथपाई, वाह वाह हुई। फिर दोबारा मैंने कहा इस देश का क्षत्रिय जो ठाकुर बनता है, मूंछों पर ताप देता है, हमारे समाज की बहन बेटियों को उठा ले जाता है, अब इस तरह कदापि नहीं होगा, हम रोकेंगे। और हमने कहा कि ये बनिया मसाले में गंद मिला करके और ये परोसता है मेरे समाज को, अब मैं ये काम नहीं होने दूंगा। तो वहाँ लोकसभा में बहुत मेज थपथपाई गई, हमारा भी सीना गदगद हो गया कि अब क्या है, अब तो हम बहुत बड़े नेता हो गए। लेकिन जैसे ही हम शाम को घर पहुंचे, बीवी को बताया कि आज तो यार ऐसे हुआ, बड़ा बढ़िया हुआ, हमारा लेक्चर हुआ। लेकिन शाम को ही फोन आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इधर आओ। जैसे हम गए बोले अच्छा तुझे इसलिए सांसद बनाया था क्या कि तू हमारी खाट खड़ी करेगा लोकसभा में, तुझे वो झुग्गी याद है ना। तो जनाब उसी दिन से मेरी जबान पर ताला लग गया, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि गाड़ी इसकी बदौलत मिली है, मकान इसकी बदौलत मिला है, सांसद इसकी बदौलत बना हूँ, टेलीफोन इसकी बदौलत मिला है, सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी बदौलत मिली है, तो अगर ये मेरे से नाराज़ हो गया तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए जबान पर ताला लग जाता है। और फिर समाज की बात आती है तो मैं जान गया हूँ कि समाज की क्या है। अरे जब ये तो कांशीराम साहब ही थे जो 1.5 साल में 2 साल में चुनाव करवा दिया करते थे। अरे क्या है, 5 साल में मौका मिलेगा तो ये मेरे से क्या करेगा, साड़ी ले लेगा, जाड़ी ले लेगा, कहीं दारू ले लेगा, कंबल ले लेगा, सिलाई की मशीन ले लेगा, तो क्या है, दे दूंगा।
तो समाज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, जिन्होंने बनाया उनके गीत गाने में वो लग जाता है, इसलिए उनकी जवान पर ताला लग जाता है। मानवर कांशीराम साहब ने एक मंच पे कहा था कि जब तक आप लंगड़ी सरकार बनाओगे और लंगड़ी सरकार बनाते रहोगे आपका उद्धार होता रहेगा। हाँ, ये प्रारंभिक स्थिति थी हमारी, ये बहुजन समाज पार्टी की प्रारंभिक सोच थी कि लंगड़ी सरकार होगी तो उनका कहना एक और रहा है कि वी शुड बी इन द बैलेंसिंग पावर, कि हमारे बगैर कोई भी सरकार चल न पाए, बन न पाए, इसलिए ये सोच थी कि जैसे ही हमारी कोई लंगड़ी सरकार होगी तो जिस दिन भी हम चाहेंगे टंगड़ी मारेंगे, गिरा देंगे और दूसरी सरकार बना लेंगे और फिर ऐसे करते करते अपनी वाली सरकार बना लेंगे। धन्यवाद सर।